हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। आप इसे एक बार बना के खाओगे तो बार बार बनाने वाले हो फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है। ये बिना घी बिना तेल की बनी है तो उतना ही हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ही देखते जाएँ और लास्ट तक बने रहें, जब ही समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं बनाने और देखते हैं कौन सी रेसिपी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिया है आधा किलो मटर, इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसी से बनाएंगे घुघनी चाट। ना इसे मैं दाने निकालने वाली हूँ और ना ही छीलने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए और देखते जाइए। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और इस पे रखेंगे लोहे की कढ़ाई। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप स्टील भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉन स्टिक बिल्कुल भी ना यूज करें। जो लोहे की कढ़ाई में इसकी टेस्ट आएगी वो नॉन स्टिक में नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि मटर को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये गाँव में बहुत बनाई जाती है, लेकिन इसे कढ़ाई में नहीं, ये आग में पकाते हैं और इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई यूज किया है, लेकिन टेस्ट वही आएगी। अब इसे कवर करके छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए और बीच में अलट पलट करते रहें फ्रेंड्स, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और मटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटर नीचे से थोड़ी जल जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे अलट पलट करते रहेंगे और ढकते जाएंगे, फिर अलट पलट करेंगे। ये प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक ये सारे मटर स्किन थोड़ी जल ना जाए, जब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, इसे अब ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर चेक करेंगे, फिर ढक देंगे, फिर चेक करेंगे। ये प्रोसेस अपनाते रहिए जब तक ये पूरी तरह अच्छे से जल ना जाए स्किन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस मैंने अपनाया है और यहाँ पे मटर भून के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ऐसी चाहिए बिल्कुल, और अंदर से मटर बिल्कुल पक जाती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। मटर पकाते वक्त कुछ मटर अपने आप भी निकल जाते हैं और स्किन बहुत मुलायम हो जाती है। अब कर देंगे गैस को बंद और इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें से अब दाने निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत आराम से निकल जाती है, इसकी स्किन इतनी मुलायम होती है कि इसे छीलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, दाने फटाफट निकल आते हैं। तो यहाँ पे हमने दाने निकाल रहे हैं और देख सकते हैं कि एक एक करके बड़े आराम से सारे मटर निकल आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारे दाने निकाल लिया है। आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं बिना किसी मसाले के, सिर्फ नमक मिलाएं, ये बहुत टेस्टी लगती है। चाय के साथ ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी मटर में हम कुछ मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले इसे बड़े बाउल में निकाल लेंगे सारे मटर को। बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, 1/2 टीस्पून काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें और भी मसाले मिलाते हैं। तो यहाँ पे लिया है बूंदी और इसमें मिलाएंगे भुजिया। घुघनी में भुजिया इतनी टेस्टी लगती है कि क्या बताऊँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर कमेंट करना कि ये कैसी लगती है। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसी स्टेज पे नींबू निचोड़ लें और उसी के साथ मिक्स कर लें। सॉरी, वीडियो में दिखा नहीं पाई, तो प्लीज़ आप नींबू ज़रूर निचोड़ लें। तो लीजिए, बनके तैयार है हेल्दी और टेस्टी घुघनी चाट। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।